वो तो चेंजिंग होती है इट इज नॉट परमानेंट चक्रा किसी भी चक्रा की एनर्जी परमानेंट हो ही नहीं सकती इट इज एवर चेंजिंग हर एक घंटे में एक इंसान की एनर्जी चेंज होती है क्योंकि जो चक्राज हमारे हैं, अच्छा एक जनरल डेफिनेशन ऑफ चक्रा क्या होती है इट इज अ गेट उस गेट से आने जाने वाली एनर्जीज को बीच में कोई एक फिल्टर है ठीक है वो उसको देखता है तो अगर एक आपके घर का गेट है तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है लेकिन अगर आपके गेट का सपोज करिए लॉक खराब हो गया तो आपको डर रहेगा ना कौन आ जाएगा कौन नहीं जाएगा आप हमेशा तो उसके पास नहीं खड़े रह सकते राइट तो क्या होता है जब हमारे घर का गेट अगर सपोज करो लॉक आपका खराब हो गया तो कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है ये होता है कि चक्रा में परेशानी है हमारा चक्रा भी ऐसे ही होता है हमारे चक्रा के वेब में परेशानी होती है एक जो व्हील होती है वो ब्रेक हो जाती है बहुत सारे हो कब आपको आपको कैसे रिएक्ट किया क्या वो वजह होती है जो हमारी जनरल स्पिरिचुअल मेंटल इमोशनल ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारा चक्रा अफेक्ट होता है इट इज नॉट द चक्रा विच इज अफेक्टिंग इट इज समिंग दिख रही है वो चीजें वो उसके बारे में हमें मालूम है आज हम एक ऐसी क्लास आप सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं जो हमें चीज नहीं दिखती चक्रास हमें नहीं दिखते लेकिन उसकी कंडीशन आपकी जो कंडीशन दिख रही है उससे हम तय कर सकते हैं कि आपका चक्रा किस लेवल पे है करेक्ट हमें यही तो फिजिकल सिम्टम्स जानने हैं कभी कभी ऐसा होता है है, ना, बहुत सारी कुछ बातें हमें कोई song अच्छा लगने लगता कभी-कभी हमारा मूड चेंज होकर हम कुछ बात बोलने लगते हैं यू नो कोई वर्ड कोई एक्शन करने लगते हैं बार बार हम थम्स अप करते हैं राइट right? बार बार हम किसी को फिंगर्स यू दिखाते हैं ऐसा होता है ना इट इज ऑल अबाउट योर चक्रा आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेट है आप क्या कौन सी फिंगर यूज कर रहे हैं पता है इट इज ऑल अबाउट दिस चक्रा आप ये समझ के बता सकते हैं चक्रा का क्या हाल है है ना ब्यूटीफुल इट इज अ ब्यूटीफुल साइंस लेकिन बहुत कम हम इसके बारे में हर मॉडलिटी में समझ पाते हैं क्योंकि हमें एक लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है और ये चक्रा स्पेसिफिक जो क्लासेस होती हैं वो आपको बहुत डिटेल में नॉलेज देती हैं देखिए हमारे पास सब दो महीने का इसका टाइम रहेगा मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ लेकिन इस दो महीने के अंदर मैं आपको सिर्फ एक आस्पेक्ट ऑफ चक्रा बता पाऊंगी कि जो जनरली हम फिजिकली एक इंसान को देख के कैसे उसको हम डिटेक्ट uh, कर सकते हैं कि उसका चक्रा लेवल कितने पर है और उसको हम कैसे हील कर सकते हैं मैं आपको खाली हीलिंग अः एनर्जेटिक वे में नहीं बताऊंगी राइट right? एनर्जी वे एक अलग वे है हम सब हीलर नहीं है हम सब रेकी हीलर नहीं है हम सब के हैंड एक्टिवेट नहीं है और हम सब जरूरी नहीं है कि हर कोई उन सब को फील कर सके, ठीक है इन सब की चीजें अलग करके जो हमारे प्रैक्टिकल वेज होते हैं जो हमारे भारत के संस्कार में शुरू से इतनी सारी चीजें शुरू है आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द रिचुअल यू नो you know, uh, जो हमारे भारत का रिच uh, संस्कार है हमारे जो भारत की परंपरा है वो इतनी इतनी ज्यादा रिच है इट हैज एवरी थिंग टू एवरी लेवल हमारे जिंदगी के हर पड़ाव पे कोई ना कोई ऐसे संस्कार होते हैं राइट right? एक मुंडन फॉर एग्जाम्पल सबके यहाँ होता है मुंडन बच्चों का है ना मुंडन होता है सब तो सबके यहाँ बच्चों का आपको मालूम है मुंडन क्यों कराते हैं कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पर हम सबके यहाँ मुंडन संस्कार होता है जब बच्चा होता है एक साल में दो तीन साल में सबके यहाँ मुंडन संस्कार होता है मैम आई वट आई हैव हार्ड एक्चुअली आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी व्हाट आई हैव हार्ड कि बच्चा जब मतलब बच्चे के जो हेयर लेके जन्म होता है दैट इज अ फर्स्ट लाइफ सो so, उसको एक बार क्लीन करना चाहिए सो दैट इफ एनी इम्पैक्ट इज कैरेट ऑफ पास लाइफ जो नेगेटिव हो वो निकल जाए तो Perfect. वो फिर नया जो आएगा दैट इज ऑफ दिस लाइफ ऐसा सोच के साथ बोलते हैं कि एक बार तो क्लीन कट करा हाँ. दो वन ऑफ द रीजंस वन ऑफ द रीजंस परफेक्ट और कोई बताइए सुनील जी मधुरजय जी जैस्मीन जी बबीता जी बच्चे तो को संस्कार वन 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 बाय बाय प्लीज योर योर बताइए हमारे शास्त्रों एक होता है होता और ब्राह्मण में हमारे उसमें, उसमें सेकंड टाइम भी बाल लेते हैं जो मुंडन की सेरेमनी होती है जिसमें उनको भी करते हैं कहते हैं उसमें भी बाल पूरे काट देते हैं बच्चों के उसमें उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है उस फेज पे तो तो सेकंड फेस आल्सो व्हाट इज हैपनिंग देन आपको मालूम है क्या हो रहा है उस वक्त क्यों व्हाट इज द रीजन देखिए क्या हुआ then. हाँ हम लोग ना अपने संस्कारों से बहुत धीरे-धीरे ना हम अलग होते चले गए हम लोग फॉलो क्या हुआ कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी वो लोग फॉलो करते हैं वो सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं लेकिन उनसे हम हमारे पास रिचुअल्स आए लेकिन उसकी रीजनिंग नहीं आई जब हमारे पास रीजनिंग नहीं आई तो हम रिचुअल कौन से चक्र को एक्टिवेट कर रहा है क्यों कर रहा है तो आप कभी भी उन रिचुअल्स को नहीं छोड़ पाएंगे और उतनी ज्यादा शिद्दत और भावना से करेंगे उन रिचुअल्स को मुंडन संस्कार क्यों होता है मुंडन संस्कार सॉरी निशा जी सॉरी पहले आप बताइए आपकी रीजनिंग सुन लेती फिर मैं बताती मैम हम हम तो सिंधी हैं लोग जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता बच्चे को बाहर नहीं निकालते बिल्ली ना फलंग जाए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है है डर रहता है, कोई बुरी बला ना लग जाए रास्ते में तो इसलिए जब तक मुंडन नहीं होता हम शाम को भी बच्चे को नहीं निकालते हैं जी 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 बिल्कुल क्योंकि मुंडन सभी में जरूरी होता है मुंडन क्यों होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है दिस इज क्राउन चक्र क्राउन चक्र ठीक है इससे पहले हमारा सारा जैसे बच्चों को शुद्ध बुद्ध नहीं होती बच्चे मोस्टली बच्चों की शुद्ध उनके या तो पास लाइफ से होती है या फिर पास लाइफ से नहीं होती तो वो इंटरनल सोर्स से होती है उनकी सुध सब उनसे कनेक्टेड होती है बच्चे को संसार में मिलाने के लिए हम आ, परिवार से ऐड करने के लिए उनके चक्रा को परिवार के चक्र में हम लोग ऐड करते हैं ठीक है थीके? मुंडन संस्कार इसलिए जरूरी क्योंकि बच्चे का अब इस संसार में उसका जीवन शुरू हो गया है एक्शन आप देखेंगे मुंडन करवाते ही ऐसा लगता है बच्चे के सिर पर एंटीना आ गया और वो बहुत शैतान हो गया क्योंकि yes, yes, yes. जब वो उसका मुंडन होता है तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है उससे पहले वो एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी अपने अराउंड उसका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है उसका एब्जॉर्ब शुरू हो जाता है आपने जैसमिन जी बोला कि पढ़ाई से पहले भी मुंडन होता है क्यों बिकॉज द चाइल्ड नॉलेज रिसेप्टिविटी उसकी बढ़ती है एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लेयर्स ठीक है तब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो मैं, हाँ. मैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं है। yes, yes, तो उनको बहुत संभाल के रखा जाता है या फिर जैसे भी उनका सबके अलग अलग तरीका होता है करने का तो वो सब संभालते हैं है ना तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया अब आपको इसके अगर इम्पोर्टेंस मालूम है तो आप के फैमिली में जो भी रिचुअल होगा आप उसको बहुत स्ट्रॉन्गली करेंगे ना नोइंग द कि उसका क्या रिजल्ट होगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों को संसार में मिलाने के लिए और संसारिक बातें करने के लिए उसको तो इसी संसार के अंदर एग्जिस्ट करना है राइट ऐसे ही पल पल हमारे ऐसे होते रहते हैं जिससे हमारे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने महान थे इतने महान थे इंडिया की खासकर बात कर रही हूँ आप हम देखेंगे देखिए इंडिया का इतिहास कितना पुराना है और इंडिया सोने की चिड़िया था पहले पहले क्या हुआ जो इंडिया सोने की चिड़िया हो गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया को कैप्टिव uh, कर लिया गया ब्रिटिशर्स ने आके कैप्टिव कर लिया और ब्रिटिशर्स ने इतना सारा उसके साथ हुआ क्यों हुआ क्या हुआ तो ये भी क्या हुआ कि जब हमने अपने uh, शास्त्रों के इंपॉर्टेंस नहीं जानी उनको गलती ये हुई कि जब गन्स आके सारा का सारा वेद वगैरह ले गए तो जो श्रुति स्मृति का जो था हिसाब किताब वो खत्म हो गया हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता रही रिचुअल्स हम लोगों ने जितने हो सके कैरी करे जब तक इंपॉर्टेंस पता नहीं थी हम उसकी इंपॉर्टेंस भूल गए हम रिचुअल्स भी भूल गए राइट right? सारे रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप सब लोग अगर जब हम ये क्लास करेंगे तो अपने बड़ों से प्लीज जिनके पे पास हैं आप लोग सारे रिचुअल्स पूछिए क्या होते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है अपनी आंखें खोलिए अपने चक्रास को जागृत कीजिए जब आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी योर चक्रास विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इन अ बेटर वे और आपकी लाइफ में देखिए कितना फर्क आएगा एक और मैं रिचुअल बताती हूँ हार्ट चक्रा से रिलेटेड है रिचुअल ठीक है बहुत छोटा सा रिचुअल है जब भी किसी की शादी होती है क्लियर शादी सब क्या शादी होती है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है मैरिज का तो क्या अब हमारे हिंदू सभ्यता में क्या होता है कि सास बहू आती है सास उसको चाबी देती है ठीक है टू टेक केयर ऑफ द हाउस टू परफॉर्म हर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट लेकिन अब किसी ने पूछा भाई ये सास चाबी देती है ऐसा क्यों देती है सास चाबी देती है वो लेट गो कर रही है और कितना इंपॉर्टेंट है सास का लेट गो करना कि आई हैव टेकन गुड केयर ऑफ द फैमिली आई एम यू नो लेटिंग गो ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग यू द पावर ऑल्सो टेक द पावर परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आज क्या हो रहा है देखिए हमारे पास हम लोग हीलर्स हैं हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं 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 फैमिली में कितने हो हो रहे वो क्यों हो रहे वो डिस्कॉर्ड क्यों आपको ये हार्ट चक्र का रिचुअल ही नहीं मालूम आपने सब चाबी देने का मतलब यार बहू तो हाथ में कर लेगी वो तो यार मिस कर सकती है तो आप ये देखेंगे की आज हमारी सोसाइटी कितनी ज्यादा इस चीज के अंदर नैरो माइंडेड हो गई है नहीं वी डो नॉट वॉन्ट टू गिव कंट्रोल वैसी बहुत समझदार आते हैं तो उनको कंट्रोल कैसे दे दिया जाए बट क्या होता है फिर वहां पे डिस्कॉर्ड शुरू हो जाता है बिकॉज जो रिक्वायरमेंट थी हार्ट ओपन करने की हार्ट चक्र को ओपन करने की लेट गो करने की वो लेट गो किया नहीं राइट right? तो हार्ट चक्र बंद रहा फिर तो सास बहु में झगड़े ही झगड़े क्या आपने कभी भी पचास साल पहले हमारे आ, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है या फिर मेरी मदर है मैंने तो कभी भी उनके टाइम जब हम छोटे छोटे थे कभी किसी के ना तो डेवॉर्स सुने थे मैंने कभी किसी के यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं सुनी थी जो आजकल हो रही है आपने कभी सुना था अपने फैमिली में जब आप लोग छोटे होंगे आपने कभी सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है फैमिली डिस्कौर्ट? सब लोगों की परफॉर्मिंग रिचुअल विद नॉलेज अगर आप किसी को रिसोर्सेस uh, दे रहे हैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो रिसोर्सेज भी दे रहे हो तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी राइट दिस इज द रिचुअल ऑफ हार्ट यू आर लेटिंग गो लेटिंग गो ऑफ योर कंट्रोल की ठीक है अब मैंने कर लिया बेटा अब दिस इज हमारे हवाले अब तुम करो लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन उसको रिसोर्सेस नहीं दिए तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभ पाएगी नहीं निभ पाती है ना तो ये चक्र का रिचुअल था लेटिंग गो और आपको मालूम है ना आजकल कितना इंपॉर्टेंट है लेटिंग गो ये आज हम

हेलो हाँ बताओ हेलो हाँ हाँ जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ एक्चुअली हम लोग तो मैम चक्रास कर रहे हैं लेकिन हम अपनी फैमिली को बोलते हैं या हमारे पास जो लोग आते हैं वो लोग लो रिचुअल कहाँ फॉलो करते हैं आजकल के जमाने में वो नहीं करते उनको समझा थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन और इसी से मेरा नेक्स्ट जवाब ये आता है सबसे पहले खुद को तो ठीक कर ले ठीक है क्योंकि जब तक आपकी खुद की एनर्जी स्ट्रांग नहीं हो जाती और जब आप खुद रेडिएट नहीं करते तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा दे विल ब्लाइंडली फॉलो यू सीइंग योर मैग्नेट हम सब कुछ खुद अट्रैक्ट कर रहे तो हमारे साथ हो रहा है अवर चक्राज आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग तो कभी भी किसी को क्वेश्चन नहीं करना पहले यही है इस कोर्स का कि भूल जाओ दुनिया आपके साथ क्या करिए क्या नहीं करिए बिकॉज इट इज योर एनर्जी इज अट्रैक्टिंग इट करेक्ट ठीक है अपने आप को पहले कर लो दुनिया का देखा जाएगा देखिए एक दुनिया होती है अपने अंदर की दुनिया एक होती है अपने बाहर की दुनिया बाहर की दुनिया पे कंट्रोल नहीं होता सिर्फ अंदर की दुनिया पे कंट्रोल होता है सबसे पहले अंदर की दुनिया पे कंट्रोल करेंगे बाहर की दुनिया फॉलो करेगी हमें ब्लाइंडली मुझे कर ली ठीक <laughs> है अब मैं स्लाइड्स uh, पे आती हूँ जज एनी वन एंड मैम सेकेंड थिंग आपने बहुत ही ब्यूटीफुल चीज कही है मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से कोई बात शेयर करते हैं ना तो एवरीवन फॉलो अस यस और बहुत ब्यूटीफुल है चक्रास की कहानी अभी एक मैसेज में पढ़ी थी रूट चक्रा के बारे में बताइए देखिए रूट चक्रा का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मेरे गुरु ने बताया था मुझे और बिल्कुल ठीक है वो जब पहले बहुत सारे एग्जाम्पल से एक बहुत जनरल देती हूं। आप सब लोग उसे फॉलो कीजिएगा ठीक है जब पहले बच्चा बॉर्न होता था ना ये मुझे फिलहाल ही मेरे गुरु ने एक हफ्ते पहले हम लोगों की डिस्कशन हो रही थी तो उसके अंदर उन्होंने बताया तो हम सब पहले बच्चों को काले धागे की तगड़ी बनाते थे और पहनाते थे राइट आज कोई भी नहीं पहनाएगा काले धागे की तगड़ी ये तो अंधविश्वास है है ना हम सब यही कहते हैं ना अंधविश्वास है कौन है काले धागे की तगड़ी आजकल तो कोई भी नहीं पहनाता काले धागे की तगड़ी कुछ लोग पहनाते होंगे कुछ लोग नहीं पहनाते मोस्टली नहीं पहनाते अब रूट चक्र वॉट इज रूट चक्र रूट चक्र इज अबाउट योर स्टेबिलिटी इट इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस रूट चक्र बहुत ज्यादा आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है ठीक है अब इसी चीज पे ना नजर लग जाती है रूट चक्र बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इधर उधर की नेगेटिविटी अगर काला धागा बंधा होता है तगड़ी पहना रखी होती है काले धागे की तगड़ी तो उससे क्या होता है कि कभी भी लाइफ में यू नो नजर नहीं लग पाती और यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस ऑल द टाइम इन योर लाइफ रूट चक्र का ये रिचुअल है अगर चलो अब हम जब बड़े हो जाते हैं कोई तगड़ी नहीं पहन सकता तगड़ी क्या लेग आ, में पहनते कमर पे कमर पे पहनते ओके कमर पे धागा पहनते थे काला छोटे में तो में जी अभी भी होता है लेकिन वो विलेजेस में ही है लेकिन जरूरी नहीं है वो विलेजेस में हो हम सबको ये चीज रिचुअल फॉलो करना चाहिए दिस इज आधे लोगों ने तो ना ब्लैक को है ना

अरे नहीं नहीं ऑफ कोर्स आपका नाम ही मेरे लिए पिलर है चढ़ाने वाली बात नहीं है <laughs> अभी एक्चुअली कुछ बातें ऐसी सुनने में आई ना तो मुझे जब आना पड़ा <laughs> अच्छा, नहीं नहीं प्लीज आपके बिना आपकी जब ये? भी मेरे साथ आप माय क्लास में आते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है आप देखिएगा मैं कितने अच्छे से बोलती ओके तो मैडम लाल लाल चलेगा तगड़ा देखिए देखिए वैसे ब्लैक इसमें चाहूंगी आई सॉरी टू इंटरफियर काले से डरने का नहीं होता है काला डराता नहीं है काला शनि है शनि तो बहुत प्यारे है ठीक है ना तो काला okay. डरने की बात नहीं है जब भी हम हीलिंग्स या एनर्जीज का काम करते हैं तो ब्लैक कलर की जो क्वालिटी है वो एब्जॉर्ब करने की होती है उससे फ्लो नहीं होता इसीलिए मना करते हैं और जो शिल्पी जी ने अभी कहा कि कमर पे बांधा जाता है ठीक है तो कमर पे क्यों बांधना है आप थोड़ा सा उसको अगर माइंडफुली समझेंगे तो रूट चक्रा में जो भी नेगेटिविटी आई है अगर वो कमर पे काला धागा होगा तो वो नेगेटिव एनर्जी ऊपर नहीं चढ़ेगी आप इस चीज को भी समझिए yes, तो ब्लैक जो है वो वही की वही एब्जॉर्ब yeah. कर लेता है रोक देता है धागा yeah, yeah, बांधा जाता है आत्मा नमस्ते अंजु मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम पर मैं बता रही हूँ ऐसे आजकल इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करा हुआ है ना हर चीज नहीं। काफी आपके साथ भी करा है तो अपने तो कोर्सेज में है कि ब्लैक तो अच्छा ही है उसमें तो ब्लैक कलर की तगड़ी हमारे रूट चक्र को बहुत सेफ रखती है राइट तगड़ी मतलब देर इज अ ब्लैक अराउंड योर कमर बट जैसे हम बड़े होते रहते हैं वी कैन नॉट वेयर दैट ठीक है तो उसके लिए यू कैन वेयर एनीथिंग ब्लैक जैसे आजकल हम रक्षा सूत्र भी पहनते हैं जो लाल कलर का होता है लेकिन हम नजर के लिए भी जैसे पैरों में पहन लेते हैं ब्लैक थ्रेड अंगूठे में पैरों के अंगूठे में बांध लेते हैं ब्लैक थ्रेड तो आप वैसा भी कर सकते हैं अपने हाथ में भी एक ब्लैक थ्रेड बांध के रख सकते हैं सो so दैट कि आपके रूट चक्र में वो एब्जॉर्ब ना हो बस एनर्जी ठीक है तो उसके बहुत सारे यूज हैं और बहुत सारे और भी चक्र uh, की बातें हैं जो हम आगे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ठीक है ऐसे चक्र तो, 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 तो वो भी से बचाएगा yes, करेगा। okay, वो करेगा और आप देखेंगे कि हाथ हम मोस्टली जैसे हम नीचे रखते हैं तो हमारी कमर तक आता है ठीक है रेस्ट हमारी कमर तक आती है तो वो मोस्टली वहां पे वो प्रोटेक्ट करती है तो ये एग्जाम्पल है हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सभी चक्रास के बारे में इंक्लूड कर रखा है और देखिए चक्रास तो जितनी हमारी नाड़ियां हैं हम उतनी चक्रास कह सकते हैं बहत्तर हजार बहुत सारे चक्रास मिनी चक्रास सब चक्रास मेन चक्रास मेन चक्रास हमें सबको मालूम है जो हमारे सारे वेदों में दे रखे हैं वैसे तो हमें छह कहते हैं हम क्राउन चक्रा को चक्रा नहीं मानते ठीक है इट इज अ गेट ये क्राउड चक्र एक चक्रा नहीं मानते लेकिन फिर भी अगर हम ले लेते हैं तो ये सात चक्रास हो जाते हैं मैं आपको नॉलेज देने के लिए देखिए आप सब चीजों की नॉलेज ले लीजिए आप बारह चक्रा की नॉलेज ले लीजिए ले लीजिए क्योंकि कबाला में बारह चक्रास की हीलिंग होती है लेकिन अगर हम सात चक्रास में भी निपुण हो जाए जो क्योंकि सात चक्रास क्या होते दे मास्टर चक्रास वेदों में भी सिर्फ सात चक्रास की क्यों बात कर रखी है क्योंकि बाकी सारे चक्रास ना इसी से ही गाइडेड होते हैं तो सबसे पहले आप अपने वेदों पे कंप्लीट भरोसा रखिए ट्रस्ट रखिए और मिनिमल से शुरू कीजिए पते हम, हम हम, सब की आदत है अभी मेरे को काफी साल हो गया पढ़ाते हुए और खुद भी मैं काफी साइंसेस में काफी सालों से हूँ मैंने ये देखा है मेरी भी पहले ये ऐसी आदत थी हमें सब नॉलेज चाहिए हम लोग नॉलेज देने के लिए ना ये भी जानना है हमें वो भी जानना है सारी चीजें दुनिया की सारी चीजें जाननी है ठीक है लेकिन जो भी जाना है उसमें से अगर एक चीज को भी हम इतना यूटिलाइज कर ले कि पूरे संसार के काम आए वो बहुत बड़ी बात होती है तो इस इसीलिए अब इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ठीक है फोकस कि आप उस चीज से क्या बेनिफिट ले सकते हैं क्या आपको पहले ही क्लास के बाद आपको कुछ बेनिफिट लिया और अपने लिए आप कुछ बेनिफिट उसके उससे निकाल सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज वेबिनार है क्या इस वेबिनार के बाद में आपको क्या मैंने कुछ ऐसी बात बताई है कि इससे आपका बेनिफिट हो रहा है और आपको लग रहा है कि इससे ये करेंगे तो और क्या बेनिफिट होगा ये इंपॉर्टेंट है क्या आप चक्रा चक्र ही पूरे संसार की हेल्प कर सकते है। जो आपका एक फाइनल लक्ष्य होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हमारा लक्ष्य ये कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन इन इवन सेवन और उन सात चक्रों को बताने के लिए मैं आपको बारह चक्र बता दूंगी लेकिन पहले सात चक्रों को अच्छे से अगर आपने बाय हार्ट करके उनको हील करना सीख लिया विदाउट एनर्जी सिस्टम क्योंकि हर कोई डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है बहुत कुछ कम ही लोग होते हैं जो ढंग से एनर्जी स्कैन कर पाते हैं आई सीन दैट

जगह को देखते हुए और हालातों को देखते हुए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है इसीलिए मैं आपको हर चक्रास को हील करने के लिए दस तरीके बताऊंगी ठीक है नाउ देखिए अब चक्रास क्या होते हैं चक्रास आदि बेस्ड ऑन एनर्जी सिस्टम हमारे किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है है ना अगर आज मैं बोल भी रही हूं, तो आई नीड एनर्जी टू टू टॉक यू हमारी हर चीज को करने के लिए हमें एनर्जी सिस्टम चाहिए और एनर्जी को कौन हमारी बॉडी में गाइड करता है चक्रास चक्रा ही वो एक गेट कीपर है वो जो कहता है ये वाली एनर्जी जाएगी ये नहीं जाएगी अगर वो गेट कीपर बीमार है तो कोई भी एनर्जी जाएगी कोई भी आएगी फिर आपको कोई नहीं बचा सकता फिर हम बढ़ते बीमार तो बेसिकली गेट कीपर को खुश रखना है गेट कीपर को हेल्दी रखना है बिकॉज गेट कीपर ही उस पूरी चीज को ध्यान रखता है ठीक है तो चक्रास को हील करने के लिए हमें उस गेट कीपर के काम मालूम होना चाहिए उस गेट कीपर की कनेक्टिविटी भी मालूम होनी चाहिए उस गेट कीपर की हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए तो चक्रा इज एनर्जी सिस्टम उस एनर्जी सिस्टम को समझेंगे कितने लेवल पे वी विल अंडरस्टैंड ऑन द फिजिकल लेवल वी विल अंडरस्टैंड ऑन द इमोशनल लेवल लेवल वी वी विल विल अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ऑन ऑन द द एस्ट्रल एंड मेंटल लेवल क्योंकि क्या होता है इन सारी लेयर्स के बिना हम लोग एग्जिस्ट करते ही नहीं है और इन सारी लेवल्स को कनेक्ट करने वाली जो एक लेर होती है वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कनेक्टिविटी कैसे होती है सारी वो, वो कैसे, कैसे? होती है सारी लेयर्स की? वी विल अंडरस्टैंड हाउ लेयर इज़ कनेक्टेड अदर ठीक हम उसको अवेकन करें हार्नेसिंग कॉस्मिक एनर्जी विद इन जॉर्से अपने अंदर क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता वाइटेलिटी ग्लोब्यूल्स वी नीड इट ऑल जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन हमारी फिजिकल बॉडी के लिए है लेकिन जो सारे टाइम हम लोग इमोशनली परेशान होते रहते हैं या खुश होते हैं या फिर मेंटली हमारे जो जितने थॉट्स आ रहे हैं आपको आपको लगता है कि ऑक्सीजन कुछ काम करती होगी उनके लिए उनके लिए एक अलग ही एनर्जी सिस्टम है जैसे हम अपने थॉट्स को नहीं देख पाते अपने इमोशंस को नहीं देख पाते ऐसे ही जो एनर्जी सिस्टम उनको मैनिपुलेट uh, कर रहा है उनको एनर्जी दे रहा है वो जो तो सारा एनर्जी सिस्टम है वी विल टॉक अबाउट दैट एंड वी विल आल्सो नो की हाउ टू कंट्रोल दैट सिस्टम ठीक है रिलेटेड टू ही चक्रा एक्टिवेट चक्रासवर थिंकिंग एंड प्रोकेस्टिनेशन जो आज कल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम बैठे रहते हैं सोचते ज्यादा है करते कम है ना करना चाहिए जो एक ही मोडेलिटी में है बिकॉज आप चक्रास से कैसे कनेक्टेड हो और आपको चक्रास के बारे में क्या मालूम है आप चक्रास को इजी वे में कैसे हील कर सकती है दिस इज इट

सारी उसवाइफ को जरूरी है बिकॉज आजकल हर कोई ग्रो करना चाहता है राइट right? अपने आप को बैलेंस रखना चाहता है आपको चक्र पता है टेक्नोलॉजी मालूम है इट इज वेरी इजी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ईच एंड एवरी हाउस वाइफ नीड टू हैव दिस कोर्स नीड टू अंडरस्टैंड हाउ हाउर द मकैनिज्म द यंग फीमेल्स सारी फीमेल्स और ऑल द यंग मेल्स ऑल्सो बिकॉज यंग लोग क्या होते हैं उनको गाइडेंस चाहिए होती है और हमेशा जरूरी नहीं है उनको सही गाइडेंस मिले है ना हर कोई काउंसिलर और कोच भी नहीं रख सकता हर कोई नहीं बात कर सकता और हर किसी के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होतीस बट ये जो चक्रा नॉलेज है ना अगर देखिये आप सब लोग ये कोर्स करेंगे एंड बी दॉरियर बनिए एवरी आप सिखाइए सबको चक्रा नॉलेज होनी कितनी जरूरी है चक्रा नॉलेज से हर एक इंडिविजुअल ग्रो करता है क्योंकि वो उसका अपना खुद का सिस्टम है नॉट टॉकिंग एनी अदर सिस्टम अपने तो आप हेल्प करेंगे ऑल द डॉक्टर्स देखिए डॉक्टर्स को आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ आई एम गोइंग थ्रू सर्टन ब्रीदिंग इशू ठीक है अब वो मुझे मालूम है मुझे ब्रीदिंग इशू क्यों हुआ

ये मैं आपको बताऊंगी क्या है? होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड होता है ठीक है हम कोर्स में जानेंगे होता है जब अवेकनिंग होती है तो तो सोलर चक्रा क्या है? करता है सबसे ज्यादा आपकी एसिडिटी रिलीज करता है ठीक है मुझे मालूम तो मुझे क्या हो रहा है नो डॉक्टर वॉज एबल टू डिटेक्ट वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू सब ने मुझे गाइड कर दिया गो टू साइकेट्रिस्ट आई सेड ओके मैं तो साइकेट्रिस्ट के बाद राइट

अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी यू नो डॉक्टर्स को भी ये नॉलेज होनी चाहिए सो so दैट कि उनको पेशेंट के बारे में पता चल सके वो बहुत जल्दी डायग्नोस कर ले वो किसी भी इंसान को इधर उधर ना भटकाए आजकल बहुत हो गया है क्योंकि सारी डॉक्टरी किसपे डिपेंड है सारी सब टेस्ट पे डिपेंड है आप जाइए आप सारे टेस्ट करवाइए उसके अंदर जो निकलेगा डॉक्टर आपको उसकी दवाई देगा टू सप्रेस दैट बीमारी बट इट इज नॉट हम डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते ना एवरी डॉक्टर शुड बी अ डॉक्टर उनको अगर ये सारी नॉलेज होगी तो बहुत जल्दी डिटेक्ट करेंगे परेशानियां ठीक है जस्ट बाय सीइंग एट द सिम्टम्स वो फिजिकल सिम्टम्स तो देखते ही हैं लेकिन जो तो और भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी उनको पता चलेगा उनको समझ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है कहाँ पे दिक्कत है देन ऑल द पेरेंट्स हमें आज हम बहुत बड़ी बात होती है गुड पेरेंटिंग अब हमें अपने बच्चों को बच्चे तो हमसे बहुत चीजें छुपाते हैं राइट right? तो बच्चों को समझना उनके चक्रास को बैलेंस रखना ये एक पेरेंट का एक माँ बाप का फर्ज है आप बच्चों को सारे संस्कार अपने देते हैं अगर आप उन बच्चों को रीजनिंग के साथ सारे संस्कार देंगे वो कभी भी अपने पात से नहीं हटेंगे आप बच्चों को वो संस्कार देंगे और कहेंगे बेटा तुझे लाइफ में इस तरीके से फायदा होगा आप देखिए कभी भी वो नहीं छोड़ेंगे और वो संस्कार मेरे बच्चे करते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ये बेनिफिट है वो तो भूलते नहीं मैं भूल जाऊंगी वो मुझे याद दिला देंगे हम हर कोई संस्कार ही होते हैं हम गलत कहते हैं भैया आजकल के बच्चे कोई नहीं मानेगा गलत है हम गलत हैं क्योंकि हम नहीं बता रहे उनको ठीक से अगर हम नहीं बता रहे उनको ठीक से तो वो कैसे मानेंगे हम उनको ब्लेम कर रहे हैं गलती हमारी है। तो आई टेल यू अपने roots को जानने की कोशिश कीजिए आपके घर में जो जो रिचुअल्स है जस्ट गो एंड फाइंड आउट आर द एंड इज द लॉजिक बिहाइंड रिचुअल हाउ रिचुअल्स आर कनेक्टेड विद द बिहाइंडेड अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो हम एक सेशन ऐसा लेंगे इस क्ला, क्लास में

कस्टमर कौन सा चक्र हमें दिलाता है अब बताइए चलिए ये एक टॉपिक लेते हैं अभी कौन मुझे बताएगा कौन सा चक्रा हमें हेल्प करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सोलर सोलर रिलेशनशिप थ्रोट चक्रा थ्रोट चक्रा एग्जैक्टली इट इज थ्रोट चक्रा ठीक है बिकॉज थ्रोट चक्र इज द कम्युनिकेशन जितना मधुर बोलेंगे और जितना दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी वाणी से वो इंसान अट्रैक्ट हो गई होगा ठीक है थ्रोट चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ओनर के लिए तो उसको हम कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है हमें देन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स फॉर कंसंट्रेशन है ना फोकस्ड स्टडीज टफ से टफ टाइम में हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना कैसे उनको डील करना है उनके लिए चक्रास बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने बच्चे चक्रास को जान जाएंगे और कैसे उनको हेल्प करनी है तो बीमारियां कम हो जाएंगी उनके डिसीजन काफी सही हो जाएंगे क्योंकि अगर चक्रास अलाइंड होते हैं ना हमारे सारे डिसीजन अपने आप अलाइंड होते हैं ठीक है तो ऐसे ही देखिए बताने को मैं आपको बहुत सारे बता सकती हूँ कि सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स क्यों बिकॉज उन चार्टेड अकाउंटेंट मनी बनानी होती है उनको मनी को ध्यान रखना होता है चक्रा से हेल्प करता है कैलकुलेशन के अंदर परफेक्ट अट्रैक्ट uh, करने के लिए कस्टमर्स नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर आता है चक्रा के बारे में सब मालूम है तो यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग

है ना नंदिनी जी अभी आपकी वीडियो खुली दिख रही तो आप ही मुझे बताइए व्हाट आर द पंच महाभूतस आ फायर एलिमेंट आकाश एलिमेंट यस देन वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट पांच यस वंडरफुल वंडरफुल ठीक है वंडरफुल अब सारे एलिमेंट्स हम सबको मालूम है कि चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं है? सबकी नानी दादी तो ये जरूर कहती थी, थी भाई तेरा भाग्य तेरे हाथ में है आपने कभी तो सोचा है ऐसा क्यों कहा गया है कि तेरा भाग्य तेरे ही हाथ में है क्या हमारी हाथों की लकीरों के बारे में बात करते हैं वो या फिर हम अपने हाथों से जो काम करते हैं उसके कि काम, करता तेरा तेरे हाँ काम करता रहे भाग्य तेरे हाथ में काम भाग्य बनाता रहेगा हम बहुत लोग यही सोचते हैं ना कर्म करते रहो भाग्य बनाते रहो राइट right? लेकिन पंच महाभूतस यहाँ है यहाँ अग्नि एयर काय अर्थ वाटर पांच तत्वों का बैलेंस आपके चक्रों का बैलेंस आपके हाथ में है आपकी जिंदगी पूरी आपके हाथ में है लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द एलिमेंट्स फायर अब जानिए सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी प्रकृति क्या होती है अच्छा आप मुझे बताइए जो फायर है ऊपर की तरफ ही क्यों वो जलती है उसका डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा या नीचे की तरफ क्यों नहीं होता फायर हमेशा ऊपर की तरफ फ्लेम करके क्यों जलती है द रीजन कोई मैग्नेट ऊपर नहीं ना वॉट इज द रीजन बताइए कौन बताएगा मुझे जानवी जी, जी आ जाइए नमस्ते मैम प्रकट हुई विंडो ओपन करके प्रकट हुई नमस्ते प्रकट होइए ओपन योर विंडो जल्दी से कहाँ गए अच्छा नमस्ते मैम चलिए बताइए नमस्ते आई लाइक दिस थिंग फायर एलिमेंट इट इज द ब्रिज ब्रिज होता है मैम या कनेक्टेड टू आयर एनर्जीज को इसके द्वारा हम अवित दिया तो नो डायरेक्ट देव देव आई मीन I mean, एंजल्स उस उस सभी के पास जाता है ऐसा मुझे I mean, आई मीन सनातन धर्म प्रकार मुझे पता है मैं तो ओके okay. ये पता है ठीक है ओके ओके वंडरफुल ठीक है और कोई बताना चाहेगा कि फायर ऊपर की तरफ ही क्यों जलती है एक मिनट कौन सत्य प्रकाश जी बताइए सन से संबंधित है सन ऊर्जा का स्रोत है और फायर भी ऊर्जा है तो ये जो है हमेशा ऊपर की ओर चलती है वेरी नाइस दिस इज द जल का स्रोत हमेशा अपना समुद्र की ओर बहता है इसलिए सबसे नीचे है वेरी नाइस वेरी नाइस सत्य प्रकाश जी आपके पास बिल्कुल अरे अगरे। अगरे। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ होते हैं जो हमारे सारे पंचमहाभूताज होते हैं वो अपने स्त्रोत्र में ही मिलते हैं अब हम आ, आप ऊपर कूदते हैं तो आप नीचे धरती पे ही क्यों आके गिरते हैं हम क्या कि फोर्स। है ना लेकिन क्या होता है हम हमारी जो शरीर है ये एक तत्व है अर्थ तत्व से ज्यादा दिखता है हमें अर्थ तत्व से बना बना हुआ है ठीक है तो अर्थ तत्व अर्थ पे जाकर ही गिरेगा जो सारे पंच महाभूता है वो अपने आ, सोर्स के पास ही जाएंगे आग का सोर्स है सूर्य तो आग सूर्य के पास ही जाएगी पानी आप हमेशा देखेंगे नीचे गिरता है क्योंकि वो समुद्र के पास ही जाएगा कहीं भी देंगे बहेगा समुद्र के पास आपके घर में भी पानी गिर जाएगा तो वो ऊपर नहीं उड़ेगा वो नीचे जाएगा वो समुद्र के पास बहेगा ठीक है एयर आकाश तत्व एयर होगी सपोज बलून बस भी होता है तो एयर तो सारे सराउंडिंग में फैल जाती है फैलना है उसका तत्व फैलाना है फैलना है मूव करना ठीक है थॉट थॉट स्पेस एनर्जी वैक्यूम स्पेस एनर्जी कहाँ है स्पेस में ही रहते हैं ना हमारे थॉट आपके अंदर है स्पेस में ही है ठीक है तो पंच महाभूतास ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब इससे रिलेटेड हम करते हैं किसी का भी अगर कॉन्फिडेंस लो है कौन बताएगा मुझे यहाँ पे किसी का कोई कॉन्फिडेंस क्या आपको किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस पावर लो है है किसी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं आपके किसी क्लाइंट के साथ होगी मैं आपको एक्सरसाइज बताती चलो मिलकर करते हैं और है मैडम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते है। है। हैं है चलिए जी।, जी आज हम आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे करेंगे ठीक है तो छोटी थीके। सी एक्सरसाइज है जो आपको रोज करनी है अब हमने पंच पंचमहाभूतास में बताया कि ये जो हम होता है हमारा ठीक है अपना जी अपनी बेटी को जरूर सिखाइएगा ये अग्नि तत्व है ठीक है जब भी कोई काम अच्छा करता है हम क्या कहते हैं हम्म हम्म वंडरफुल तो हम क्या करते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं उसका मोराल बढ़ाते हैं राइट जब भी हमें किसको बेस्ट ऑफ लक बोलना पड़ता है बोलना होता है तो हम क्या कहते हैं अग्नि फायर तब बढ़ाओ ठीक है राइट अब आप देखेंगे

अपने फायर एलिमेंट को आसमान की तरफ लेके जाएंगे आप सब अपने फायर एलिमेंट को आसमान की तरफ ले जाओ हमको आसमान की तरफ ले जाओ फायर एलिमेंट वंडरफुल जी के दोनों फायर एलिमेंट नमिता जी ऊपर सूर्य की तरफ वेरी नाइस आसमान की तरफ अपना फायर एलिमेंट एंड से फायर फाइव टाइम्स फायर 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 ऊर्जा महसूस कीजिए अपने अंदर फाजियो को महसूस कीजिए हाथ ऊपर रखे रहने दीजिए नंदिनी जी ऊपर हाथ फायर नाउ से आई एम ग्रेट आई एम एनर्जेटिक आई एम वंडरफुल आई एम अमेजिंग पूरे जोश से बोलिए अपने फीलिंगमेंट को बढ़ाइए हीट इन योर बॉडी और अपने पूरे तत्वों को देखिए आप अब कितने जोश में ऊर्जा में आ गए देखिए आपकी सांस ऊपर चलने लगी होगी ऊर्जा बड़ी आप कीजिए और अपनी अपनी ऊर्जी आई एम ग्रेट आई एम अमेजिंग आई एम वंडरफुल आई वंडरफुल वेरी नाइस चलो अब प्लीज रेज योर हैंड्स कोई भी आपके अंदर चेंजेस हुआ तो आप प्लीज मुझे बताइए किस किस के चेंजेस हैं वन बाय वन आई टेक द टेक यू टेक योर हैंड्स हाँ बबीता जी कैसा लगा बबीता जी कुछ फील हुआ एनर्जी सर्च करंट आ गया करंट <laughs> आ गया वंडरफुल है वेरी <laughs> नाइस nice. और ये अगर आप दिन में पांच बार करते हैं तो बताइए क्या आपका फायर एलिमेंट ठीक होगा या नहीं होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका सोलर चक्र हील हो जाएगा पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी एसिडिटी दूर हो जाएगी गोल ब्लेडर पेनक्रियास इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक सारी प्रॉब्लम ठीक आप सोचिए छोटी सी exercise, चमत्कार है एलिमेंट्स छोटी छोटी चीजें होती हैं

वंडरफुल आप अपनी पूरी दिवाली को ना अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो रोज ये कर लीजिए आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी घर की साफ सफाई करेक्ट पटाखे डबल जलेंगे अंदर के पटाखे अंदर की पटाखे जलेंगे अंदर के पटाखे जल गए राइट अंदर के पटाखे सारे जल गए <laughs> परफेक्ट परफेक्ट <laughs> जी सत्यप्रकाश जी जी सर मैम मुझे ऊर्जा की कमी रहती थी डायबिटिक होने के नाते लेकिन ये कर ये एक्सरसाइज करने से

आपको सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होगा आपका पैनक्रियास ठीक होंगे खुद के डॉक्टर बनिए हम है ना डॉक्टर्स तो जो कर मन... रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं मंत्रों मन... तो... के साथ तो कभी-कभी करता हूं इसको लेकिन जो आपने आज टेक्निक बताई है इसके साथ सर्थ. नहीं किया हूं कभी तो सर हमको नहीं ऐसे ही व्यवहारिक होना चाहिए जो भी एजुकेशन आए एग्जैक्टली सर थैंक यू सर यही में yeah. में इस आपको में देना चाहती हूं। जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बस वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम सब लोग एक साथ yeah. शेयर करेंगे और ग्रो करेंगे बिल्कुल बिल्कुल

I'll tell you you about those those okay. chakras, chakras but you do not really really have to go into those details because these seven chakras are really enough. दो चक्रास को लिवर के तीन चक्रास को स्म इंटरस्टैंड के पांच चक्रास को लार्ज इंटरस्टैंड के तीन चक्रास को एनएस को हमने सबको एक्टिवेट किया है और ना जाने और भी कितने सारे हमारे चक्रास है राइट

हाँ मैं गूगल कर कर के कर, दुकर कर कर दुकर के नहीं मिला आज मैम ओनली सम बुक के अंदर ही भाई आप कुछ नहीं त्रे. कर सकते hmm. देखिए आप उन चक्रास को पहचान के ना उनके पर छोटे छोटे काम करेंगे हमारा जो आग्नेय hmm. चक्र है वो सारे चक्रास को यहाँ के सारे चक्रा आपको गाइड करता है ठीक है तो आपकी चीज इफेक्टिव होनी चाहिए क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव होनी चाहिए फोकस ऑन दैट आई कैन टेल यू एवर्स ऑफ चक्रास यू नो मी मैं कितनी क्लासेस yes, लेती yes, हूँ मुझे कितनी नॉलेज है आपको पता होगा लेकिन वो नॉलेज जो नॉलेज काम की है ना उस पर बात करेंगे हम yes, जो नॉलेज okay, आप सबको बेनिफिट करेगी विल ओनली टॉक अबाउट दैट है ना कोर्स आई टेक देखिए मैं it... आपको बता रही हूँ ये जो चक... हम्म चक्रात का जो ये सेशन है ना ये दो लेवल पे होगा ना थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नंदी जी या बट देखिए जो चक्राज होते हैं ना व्यवहारिक लेवल पे एक चक्रास होंगे और एक होंगे हमारे लेवल को थोड़ा कम लूंगी लेकिन जो व्यवहारिक लेवल पे लूंगी ना वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा क्योंकि हमें व्यवहारिक लेवल पे मालूम ही नहीं दिस हम एक और क्लास करेंगे अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल एनर्जीज ऑफ चक्रास जानने के लिए वी गो ऑन दैट आल्सो हम मैं आपको सब बताऊंगी yes. एक क्लास लेंगे अलग कोर्स हाँ. करेंगे उसका स्पिरिचुअल लेवल का है ना लेकिन आई माय मोटो इज टू मेक यू वेरी स्ट्रांग इन द फिजिकल वर्किंग ऑफ द चक्रास ठीक है एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट द डायमेंशन ऑफ अर्थ हैज चेंज द कलर ऑफ चक्रास हैव चेंज सो नो न्यू न्यू थिंग्स कलर आपको मालूम है the, चक्रास में? के कलर चक्रास के कलर हर पल चेंज होते हैं हमारा मूड हर पल चेंज होता है हाउ कैन यू से कि चक्रास आर oh. सेम एवरी टाइम यू कैन नॉट यू देखिए यू डू नॉट नीड टू बी क्लियर वॉयंट कि आपको चक्रास नजर आएंगे आप तभी hmm. कर पाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन इतनी सारी चीजें हैं hmm. ठीक है जी uh, hmm. मैं बता रही हूँ क्लासेस के बारे में तो uh, नंदिनी जी हम आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा इससे और आगे हाँ बढ़ते मैम हैं हाँ मैम यस मैम श्योर 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 शिल्पी मैम ओके तो मैं हाँ शिल्पी जी मैम आपने न, मैं कब से सोच रही थी कि शिल्पी मैम अभी उस पॉइंट पे नहीं आए हैं और लास्ट में क्योंकि कई लोगों को आ, सेवन चक्रा के बारे में पता है लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे पता है बिकॉज वी आर ऑल हीलर लेकिन yes. जो इसका मेन पॉइंट था कि प्रैक्टिकल लेवल पे मोस्टली हम में से जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनको वो लेवल नहीं पता है प्रैक्टिकल लेवल पे सेवन चक्र के बारे में तो दैट्स द लास्ट पॉइंट इस जो इस प्रैक्टिकल नॉलेज में आपने ये वर्ड यूज किया है तो दिस इज द मेरेकल्स कि आप मुझे पता है कि इस कोर्स में अब हमें एक नई चीज मिलने वाली है तो थैंक यू सो मच मैम इस कोर्स को लाने के लिए

तो अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ करेंगे क्योंकि अभी सब आ, मेरी साधनाएं चलती हैं, राइट तो मैं अभी टाइम नहीं दे पाती हमारी पूरी दिवाली की साधना शुरू हो चुकी है, मंत्र चलेंगी, पर तक हम लोग एकदम फ्री है दो महीने की हमारी क्लास होंगी वे फ्राइडे क्लास रहेंगे साढ़े सात बजे शाम को जैसे अभी हमने शुरू करी है सारे आ, लाइव रिकॉर्डेड से अठारह मंथ है लाइव क्लासेस ऑन जूम विल विद रिकॉर्डिंग फॉर एटीन मंथस सारा महीने के लिए आपके पास वो जूम रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी डाउट क्लियरिंग सेशंस हम उसी के अंदर लेते रहेंगे प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम हमेशा करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल... कि मैं सब चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ में अपनी हीलिंग करते रहें और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबसे शेयर करते रहें क्योंकि हमारे क्लास में ही सबकी प्रैक्टिकल हीलिंग होती ही रहेगी जैसे आज हमने देखा अग्नि तत्व को बैलेंस करना ये तो एक छोटा सा था आप रोज अगर इसको पांच बार करते हैं आपका अग्नि तत्व वैसे ही ठीक हो जाएगा फिर आपको यू विल गेट द अकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट सर्टिफिकेट मिलेंगे एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं स्टडी नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा ठीक है अबाउट द चार्जेस चार्जेस जो नए मेंबर में

आप अपने फ्रेंड्स को अपने यू नो कलीग्स को किसी को भी ये कोर्स करा सकते हैं आप अपने फैमिली बच्चे होंगे उनके लिए एंड उनको किसी के पास जाने के की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन देयर फिंगर टिप्स सेल्फ अगर ये नॉलेज हम अपने बच्चों को अभी से देते हैं तो उनको बड़े होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बल्कि वो धीरे धीरे और बेटर होते चले जाते हैं राइट right? तो uh,

हाँ अंशु जी पंद्रह नवंबर से शुरू है क्लासेस दो महीने की क्लासेस ओके दैट्स ग्रेट जी आई एम गोइंग टू जॉइन अरे वाह थैंक यू सो मच अंशु जी यू आर देखिए आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड वाह वंडरफुल सीखते रहना चाहिए राइट right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अंशु जी हाँ मैं तो वैसे भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ ये थर्टी वन हंड्रेड

मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आप एक बार रेस्टोरेंट भी, भी, भी जाते बट ये, ये, तो ये आप लाइफ टाइम क्या कि, किस टाइम के आपके नॉलेज लेंगे ये जो नॉलेज है आपके आपके परिवार को आपको कितना ज्यादा गाइड करेगी इनफैक्ट दिस इज अ अम्पलीट प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर डूइंग दिस यू कैन बी अ अम्पलीट प्रोफेशनल चक्रा हीलर आप सोचिए ये आपका एक प्रोफेशन और बहुत इजीली यू कैन हेल्प पीपल आउट ठीक है आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपसे कोई पूछेगा ये चक्कर पूछने की जरूरत ही नहीं आप खुद ही बता देंगे आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स तो आ, अभी मैं पांच मिनट तक और इस स्क्रीन में आपके पास रख रही हूँ आप प्लीज ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लीजिए तो आपके सारे ग्रुप्स के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी और किसी को भी पूछना हो तो ये आप नंबर्स खाली नोट कर सकते हैं पूनम जी का रिदम का तो आप उनसे भी फोन करके बात कर सकते हैं अकेडमी में

हाँ, रैट, रैट, लेकिन भगवान ने हमें ऑलरेडी जो हमारे नेचुरल कंडीशन ऑफ चक्रास भेजी थी वो पूरी इतनी प्रोटेक्शन के साथ भेजी थी हमारे एनर्जी था कि हमें किसी की भी कोई भी कोई चीज नहीं लग सकती थी पर जब आप धीरे-धीरे अपने चक्रास को हील करेंगे वो नेचुरल आपकी हील हो जाएगी तो यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अगेन क्रिएट अगेन मैम एनीथिंग एल्स और किसी को कुछ पूछना प्लीज योर हैंड ओके तो बताइए और किसी को कुछ पूछना है तो कैन बी एंड द सेशन है हाँ हाँ वेरियस मोडालिटीज इन हीलिंग एंड ऑल दैट और इन देखिए जिस मोड पर्टिकुलर हाँ हाँ वेरियस मोडालिटीज आई एल बी यूजिंग वेरियस मोडालिटीज लाइक साउंड हीलिंग थेरेपी ऑल्सो एंड ओके हाँ जैसे मैंने पंच पंचमहाभूतास की बात करी बहुत सारी मोडालिटीज okay. इसके अंदर होंगी एडिट हाँ दैट ओनली बिकॉज चक्रा तो हमको पता है बट देन इट विल इन्वॉल्व क्लीनिंग देन एनर्जाइजिंग हाउ टू टेक केयर शील्डिंग इट यस हाउ टू टेक केयर ऑफ द चक्रा हाउ टू डिटेक्ट द अदर डिजीजेस इन द दक्रा और एनी एनी लेवल प्रॉब्लम्स इन द दक्र मैं आपको एनर्जी स्कैन करना नहीं सिखाऊंगी मैं आपको दूसरे वे में hmm. सिखाऊंगी जो इतने प्रैक्टिकल होंगे कि जिनको एनर्जी स्कैन करनी नहीं आती है वो भी इजीली कर पाएंगे ओके ठीक है जी ओके okay. जी इसमें मैम एक सागर जी एक एक प्लीज रेज योर हैंड्स मैं एक एक करके पूछ रही हूँ शीर सागर जी बताइए हेलो मैम ये डेली कोर्स है हेलो आवाज आ रही है नहीं है, है वेडनेसडे और आ रही है आ रही है आपको बस के वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लासेस होंगी पता है

ओके अंजलि जी बताइए अंजलि जी ओके जी जी, जी मैम तो तो okay. okay. गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी जी मैम क्या सर्टिफिकेट भी मिलेगा बिल्कुल कोर्स के एंड में सबको सर्टिफिकेट मिलेगा चारी, 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 चारी। जी मैम जी? जी जी मैम बस जी? यही पूछना था मैम ओके सुवर्णा जी नहीं मैम और कुछ नहीं शुक्रिया okay मैम इसमें अट्यूनमेंट होता है नहीं देखिए मैं आपको एनर्जेटिकली कुछ ऐसा दूंगी नहीं कि आप एकदम लेमैन जैसे सीखिए अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं है आपके चक्र इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आप दुनिया को अट्यूनमेंट देंगे ओके मैम ओके ठीक है ओके थैंक यू सत्य प्रकाश जी मैम ये कहना था थोड़ा सा इसमें अगर स्वर विज्ञान वगैरह का भी हो जाता है कुछ वो है। अच्छा। वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक टॉपिक है है देखिए ना अगर आप इस चीज पे भरोसा तो रखिए सर जो मैं आपको बताऊंगी आप बार प्रैक्टिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे जी एक दूसरा प्रश्न मुझे पूछना है इसी बीच एक दिवाली बोनजो में ग्यारह सौ रुपए जमा करके मैंने एक संस्था से रिकॉर्डेड कोर्स गलती से मंगा लिया अच्छा, और वो था थीटा हीलिंग का वो मेरे समझ में नहीं आया कि ही, थीटा हीलिंग होता क्या है अगर आपको जानकारी थोड़ा सा तो प्रकाश डाल दीजिए जी हमारे इंस्टीट्यूट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे तो थीटा हीलिंग के बहुत अच्छे गणमान्य हमारे जो टीचर्स हैं वो हुँ. आपको थीटा हीलिंग के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देंगे आप अभी क्योंकि सब लोग फिर परेशान होंगे हम अलग टॉपिक लेंगे ना सर

जी, ओके, ओके थैंक यू थैंक यू वो भी अच्छा हीलिंग है लेकिन इफ इस जी मैम बस ये पूछना था क्या इसमें कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी कुछ बताएंगी हाँ जी कुंडलिनी एक्टिवेशन भी बताऊंगी की एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मैम आप आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर क्या है कुंडलिनी एक्टिवेशन में अच्छा अच्छा जी अभी मैम जी मैम अब आ रही है हाँ, जी और मैम एक क्वेश्चन और था आ, कि चक्रा स्कैनिंग और... भी बताएंगे कि हम दूसरे का स्कैन कैसे कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल मैम अगर आप अपना पता कर सकते हैं तो पूरी दुनिया का पता कर सकते हैं जी मैं स्कैनिंग से नहीं बताऊंगी मैं किसी और तरीके से बताऊंगी जो कोई जी, भी जी, जी, कर सकता है जी जी ठीक थी? है मैम ठीक है और मैम बाकी तो अगर कोई क्लास नहीं की तो रिकॉर्डिंग मिलनी ही मिलनी है बिल्कुल बिल्कुल जी जी शुक्रिया मैम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए

हर कुछ सर आप जो चाहेंगे आपके दिमाग में जो है देखिए जो एक नेचुरली ह्यूमन मिलना चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब ठीक हो ही जाएगा फिर उसके बाद होता है मैनिफेस्टेशन जो आप दिमाग में थॉट लाते हैं ना फिर वो मैनिफेस्ट होने लगते ठीक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग सारे चक्रों yes. का सर अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग आपको नेम फेम अट्रैक्शन हर ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नीड रहती है जो सबको ही मिलता है ठीक है एक बेसिक सबको मिलता है तो बहुत लोगों के बंद होते हैं उनको बेसिक भी नहीं मिल पाता लेकिन उनको बेसिक बिना मांगे मिलने लगता है बिना मांगे मिलने के बाद फिर उसके ऊपर जो आपको चाहिए होता है अगर तो आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड है तो आप थॉट करते हैं और वो चीज आ जाती है हम कहा आ जाते हैं सतयुग में आपने सत्युग का नाम सुना है ना सत्युग में क्या होता था आप ब्रह्म कुमारी जाइए मैं कई बार अब मेरी मदर ब्रह्म कुमारी में है तो मैं ब्रह्म कुमारी जाती थी मैं एक बार आपको म्यूट कर रही हूँ आपकी बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है दिनेश जी ठीक है मैं कुमारी में बहुत बार जाती थी कुमारी में सतयुग का बहुत वर्णन होता है वहां पे कहते हैं की आत्माएं सत्युग्रम करेंगे और हर पांच हजार साल का ये एक रोटेशन टाइम होता है ठीक है तो सतयुग में थे फ्रूट आपके हाथ में आ जाता था फ्रूट को खाते नहीं थे आप पी जाते थे उसका पूरा जूस यू डू नॉट नीड टू यूज योर जॉस टू द फ्रूट पाइप लगा मतलब इतने सुंदर और आप इतने प्योर होते थे यू नो वॉट दैट प्योरिटी एंड वॉट सत्युग मीन कि नेचुरली जो भगवान ने आपके अलाइनमेंट दे रखी है आप उसी के अंदर स्थित रहकर अपने आप को व्यवहारित रूप में काम करिए ठीक है तो जब तो हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं ना बिलीव मी आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास नहीं होगा जी मैम और थैंक आपके एक्चुअली विचार भी इतने खूबसूरती से चलने लगेंगे कि जो चीज आपको आपको चाहिए होगी वो मिलती रहेगी तो आप और क्या विश रह जाएगी फिर तो उसके बाद ना विश मैनिफेस्टेशन भी कुछ नहीं रह जाता क्योंकि विश की मैनिफेस्टेशन ऐसे ही शुरू हो जाती है जी मैम थैंक यू चलिए थैंक यू सो मच दिनेश जी थैंक यू एवरी थैंक यू सो मच किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं आप लोग सब प्लीज चक्रा हीलिंग क्लास में आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल बुक योर क्लासेस बुक योर सीट ठीक है वी नाउ नेक्स्ट मीट इन द चक्रा हीलिंग क्लास एंड वी विल डू मैजिक यस मैम थैंक यू आत्मा नमस्ते मैम आत्मा, आत्मा नमस्ते ऑल ऑफ यू नमस्ते मैम आत्मा नमस्ते थैंक यू जी अंजू थैंक मैम थैंक यू एंड बाय मैम थैंक यू ओके आत्मा नमस्ते आप सब लोग ज्वाइन कीजिए मजा आएगा